good morning all welcome to learners academy well, yeah. so yesterday we started the chapter differential equation topic name was differential equation the next and the last part of the calculus और उसकी पहली एक्सरसाइज वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज अबाउट द ऑर्डर एंड डिग्री वी स्टडीड व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज इट्स ऑर्डर एंड व्हाट इज इट्स डिग्री एंड वी कंप्लीटेड द एक्सरसाइज टू सो एक ही दिन में वन शॉट में अपन ने पहली एक्सरसाइज खत्म करी आज भी कुछ ऐसा ही होगा थोड़ा सा हो सकता है कि हल्का से ज्यादा टाइम लगे पर उतना ही काम है करीब करीब जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो मीनिंग समझना है टॉपिक का मतलब क्या है का मतलब क्या होता है सो so, एक काम करते हैं जनरल एंड पर्टिकुलर को तो एक बार साइड में रखते हैं बात करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन बताओ इसका क्या मतलब होगा है ना तो इसके बारे में समझते हैं ना सो लेट मी स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ राइट so, सो देखना यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं डी वाई बायस प्लस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन सो इक्वेशन है कैसे पता चला इसके अंदर डेरिवेटिव टर्म्स मौजूद राइट तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं चलो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को एक बार साइड में रखो क्लास टेंथ में अपन या नाइन्थ में अपन जनरल जो इक्वेशंस होती हैं एक्स वाई वेरिएबल में वो तो सीख क्या है मैं ऐसे एक इक्वेशन लिख देता हूँ जैसे कि मैंने लिख दिया एक्स इजी सी ये इसका 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 क्या होगा होगा तो 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 बता बता सकते चलो इसको छोड़ो। इसका बता सकते चलो <laughs> छोड़ो और की ऐसी जो वो आप निकाल सकते हो जैसे किसी ने कहा एक्स कॉमा वाई इक्वल टू टू कॉमा एट रख दोस्फाई हो रहा है ना टू प्लस एट टेन ऐसा इन्फाइना आप निकाल सकते हो तो एक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो उसको सेटिस्फाई करें तो अब बात करते हैं ये तो एक जनरल इक्वेशन थी ये केस तो यहीं पे खत्म होगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं ध्यान से देखना लिख दी मैंने एक इक्वेशन आप मुझे ध्यान से देखकर ये देख के बताओ कि इस इक्वेशन में ये एक साधारण इक्वेशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है कुछ भी कनेक्शन दिखाई दे रहा है hmm. साइन मतलब ठीक है आगे अच्छा तो केवल इसी पे क्यों फोकस करो बाकी चीजों पे फोकस करो इसका डेरिवेटिव ये है इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव ये है तो कुछ कनेक्शन दिखाई दिया है ना क्या कनेक्शन दिखाई दिया इन शॉर्ट मान लो किसी को कुछ नहीं पता तो इन शॉर्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो क्या कहेगा कि सर ये नीचे वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके ऊपर वाली इक्वेशन पैदा हुई है कैसे कहोगे ये नीचे इक्वेशन को ऑन डिफरेंशियटिंग दिस वी विल गेट दिस इक्वेशन नो तो यहाँ से यहाँ आने का जो रास्ता होगा उसको हम कहेंगे डेरिवेटिव कर दो या फिर डिफरेंशिएट कर दो किसी ने कहा उल्टा आ जाओ तो डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है एंटी डेरिवेटिव तो यहां से यहाँ आने का रास्ता क्या होगा एंटी डेरिवेटिव कर दो क्या कर दो एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल जिसको अपन कहते हैं इंटीग्रल कर दो दैट मीन्स अगर इसको इंटीग्रेट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स और इसको इंटीग्रेट कर दूं तो नीचे वाली टर्म्स और इसको करेंशियट कर दूं विद टू ऊपर वाली टर्म्स मिलेंगी समझ आया तो दोनों equation, दोनों इक्वेशन 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 हैं एक एक डिफरेंशियल है साधारण है और मुझे यह पता चल गया कि नीचे वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दे तो एक्जैक्टली exactly ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाती है तो जब भी ऐसा हो जब भी ऐसा हो कि एक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है तो वो इक्वेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन कहलाएगी कौन किसकी ये उसकी नीचे वाली इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन की क्या कहलाएगी सॉल्यूशन तो अब मैं आपको कहूं कि सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन की एक साधारण सी डेफिनेशन दो तो आप देख सकते हो कि सर ऐसी इक्वेशन जिसे डिफरेंशिएट करके Given पैदा होती है, वैसी इक्वेशन को उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाएगा सरल सी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन नो हार्ड एंड फास्ट नो कोई रॉकेट साइंस सरल सी बात है जिसको डिफरेंशिएट करके वो डिफरेंशियल इक्वेशन पैदा हो जाए बन जाए फॉर्म हो जाए उस इक्वेशन को उस इक्वेशन की उस डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन कहा जाएगा क्योंकि ये इक्वेशन उसकी उसके अंदर जो भी चीजें रखी उसको कर दी जैसे हम तो तो so, क्या कहेंगे इसका सोल्यूशन क्या कहेंगे सोल्यूशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली डेफिनेशन जो आप आ, देख रहे हो स्क्रीन पे वो सेम टू सेम यही है डेफिनेशन ये तो कल का इंट्रोडक्ट्री पार्ट था सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन जो चीज अभी मैंने कही यहाँ पे कि अच्छा एक और चीज एक डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है जिसके अंदर डेरिवेटिव वाली टर्म दिखाई दे वाई दिखाई दे और साथ में कोई और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए बाकी आर में जीरो दिखाई दे अपन एक किसी भी जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखते थे ए एक्स हमेशा डालते थे और uh, quadratic equation की क्या लिखते थे तो ये एक differential equation की standard form है ना तो नीचे आओ तो अच्छा अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें क्या आंसर आ रहा था मेरा मुझे बताओ वाई इक्वल टू नहीं वाई प्लस टेन एक्स अभी जो अपने एग्जाम्पल कंसिडर किया इक्वल टू टेन एक्स तो टेलमी टेन एक्स को अगर मैं उधर भेज दूं तो वाई इक्वल टू टेन एक्स माइनस टेन एक्स हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री वाला टेन एक्स एंड इस पूरी बात को फिर मैं टू सकता हूं तो क्या समझे वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बन सकता है अगर इसको differentiate करके वो पैदा की जा सके या उसको इंटीग्रेट करके ये वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बनाया जा सके तो तो ये इसका सॉल्यूशन है अदरवाइज नहीं है ठीक है समझ गए ना ओके चले आगे तो उसकी डेफिनेशन देखो एन इक्वेशन

एक एक ही बात है, y X लिए, लिए, एक ही बात बात है है फंक्शन ऑफ या इक्वेशन कई बार क्या होता है फंक्शन बनता है मतलब y के वाली टर्म्स भी दिखाई देती है तो उस फॉर्म में आप फंक्शन ऑफ एक्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे आइसोलेट नहीं कर पा रहे तो उसको इक्वेशन नाम दे देंगे और जहां कर पा रहे वहां वहाँ वाइज ए फ्स जिसे डिफ्रेंशिएट डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव की जा सके उसको क्या कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है ना क्लियर है अब टॉपिक के नाम पे आए तो टॉपिक के नाम में देखो क्या लिखा हुआ है यहां से लेकिन यहां तक का टॉपिक तो समझ लिया हमने अब आगे उसके सामने क्या एडजेक्टिव्स हैं जनरल एंड पर्टिकुलर यानी जो सॉल्यूशन अभी हम कर रहे थे बात सॉल्यूशन की बात कर रहे थे वो या तो जनरल होगा या फिर पर्टिकुलर होगा या तो जनरल होगा या फिर पर्टिकुलर होगा तो ठीक है जनरल और पर्टिकुलर के बारे में समझते हैं देखो देखो एक तो मैंने लिखा वाई एक फिर मैंने लिखा वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस टू फिर मैंने लिखा वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस थ्री इन सब को डिफ्रेंशियट करो क्या बनेगा करो डिफ्रेंशिएट वाई को डिफ्रेंशियट करो विद रेस्पेक्ट टू क्या बनेगा डी वाई बाय डी एक्स या वाई डैश भी लिख सकते हो शॉर्ट में टेन एक्स का 1, 2, 3, जो कुछ भी है तो जीरो ही बनेगा जीरो ही बनेगा ना बनेगा नहीं बनेगा सो यू कैन से कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इन तीनों से पैदा हो रही है हो रही है ना तो ये तीनों उसके सोल्यूशन है, है? तीनों के सोल्यूशन यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे solution हो सकते हैं एक अकेला सोल्यूशन नहीं होगा है ना जैसे अभी अपन ने जनरल सोल्यूशन एक्समा वाईक्वल टू टू कोमा एट को भी सेटिस्फाई किया था तो वन कोमा नाइन भी तो सेटिस्फाई करेगा टेन कोमा तो बहुत सारे इसके भी सोल्यूशन है तो बहुत सारे इसके भी सोल्यूशन है अब वन टू थ्री सबसे ये सेटिस्फाई हो रही है One, two, सबसे ये हो रही है है तो मैंने क्या क्या कहा यार one, two, क्या लगा रहा है? तो एक काम कर, y जगह एक लेटर रख दे a b c इनको कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या कहते हैं इनको डिफरेंस क्या है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स और कांस्टेंट्स में आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कुछ भी कॉन्स्टेंट्स के बराबर हो सकती है जब कॉन्स्टेंट्स बदल रहे हो बार बार तो बार बार बदल रहे हो तो हमने उसको एक लेटर से डिनोट करा दिया पर याद रहे ये एक वेरिएबल नहीं है ये अभी भी एक कॉन्स्टेंट है ये भी अभी भी एक क्या है कॉन्स्टेंट है तो इसका सोल्यूशन भी तो ये होगा ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये भी तो बन सकता है ना ये भी बन सकता है ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है तो ये ऊपर के तीन दिख रहे हैं ये तो है पर्टिकुलर सोल्यूशन और नीचे वाला है जनरल सोल्यूशन

या, तो ही ना या फिर दिखाई दे रहे हैं तो पर्टिकुलरली दिखाई कहते हैं जनरल सोल्यूशन देखो जो भी हमने कहा वो कहा वो ही कहा कुछ डिफरेंट नहीं सोल्यूशन ऑफ such as a, b, c, etc. A solution not consisting of any arbitrary constant. अच्छा

जनरल मैथमेटिक्स चल रही है पॉलिनोम इक्वेशन तो उसमें तो हम क्या करते हैं कई बार अपन है ना ए की फॉर्म में भी इक्वेशन लिख देते हैं बी की फॉर्म में भी इक्वेशन लिख देते हैं वो एक अलग केस हो गया है ना लेकिन कैलकुलस पार्ट में कभी भी एबीसी को वेरिएबल की उपाधि नहीं मिली एबीसी हमेशा क्या रहेंगे कॉन्स्टेंट्स रहेंगे और क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं पता तो उनको नाम रख दिया गया आर्बिट्रेरी वेरी कॉज आर्बिट का मतलब होता है मनमाने मनमाने कॉन्स्टेंट्स कुछ भी मान, मान लो इनकी वैल्यू ओके okay? इनकी वैल्यू मनमानी man है ओके okay ना चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट याद रखना इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में देखो एक जनरल एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मौजूद हैं वो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स उसके ऑर्डर से मैच करेगा किससे मैच करेगा ऑर्डर से सपोज करो उसमें ए और बी दो टाइप के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मौजूद हैं तो जब आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे सोल्यूशन के अंदर है ना, ना जब आप उसकी डिफरेंशियल जब आप जब आप उसका सोल्यूशन बनाओगे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे ये सारी चीजें करोगे तो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को भगाने का तरीका क्या है उसको डिफ्रेंशिएट करना तो अगर दो मौजूद है तो दो बार डिफरेंशिएट करोगे दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी तो क्या हो गया ऑर्डर लेकिन मान लो आपने तीन बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो दो बार में भाग चुके हैं वो तो तो तीसरी बार में कुछ बिगड़ेगा नहीं तो थर्ड ऑर्डर भी बन सकती है फोर्थ ऑर्डर भी बन सकती है लेकिन मिनिमम दो बार तो आपको करना पड़ेगा मिनिमम वर्ड यहाँ पे लगाओ ठीक है तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मौजूद हैं उस इक्वल ये होगा डिफरेंशियल इक्वेशन की मिनिमम ऑर्डर से उससे ज्यादा भी हो सकता है उसका ऑर्डर तो रखना ही पड़ेगा अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है ए और बी तो दो बार डिफरेंशियट करना ही पड़ेगा तीसरी चौथी बार कर रहे हो आपकी मर्जी लेकिन मिनिमम दो बार करना पड़ेगा मान लो तीन है तो मिनिमम तीन करना पड़ेगा तो ऑर्डर का मिलेगा ना जैसे y को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट से किया Dx2, order, फिर तो जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतना ही ऑर्डर मिलेगा तो जितने आर्बिटरी कौन से उतनी बार डिफरेंशिएट करो उतना ही उसका ऑर्डर लेकिन वो मिनिमम होगा उससे ज्यादा हो सकता है उससे कम नहीं होगा क्लियर सो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन खत्म है आ जाइए एक्सरसाइज

एक डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको वेरीफाई करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है एक्चुअली है वेरीफाई वर्ड आ गया तो है अगर मानो चेक चेक वर्ड करता करके बताओ तब तो फिर हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था लेकिन इसमें वेरीफाई करना है ठीक है शुरू करें तो हम क्या करेंगे हाँ सुनो अब कैसे वेरीफाई करें तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंचना है तो क्या प्रोसेस कैरिड आउट होगा डिफरेंशिएशन क्या प्रोसेस कैरीड आउट होगा डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन पे पहुंचना है वापस तो फिर क्या सॉल्यूशन क्या प्रोसेस कैरीड आउट होगा कौन सी मैथमेटिकल ऑपरेशन कैरीड आउट होगा जिसको अपन कहते हैं इंटीग्रेशन एंड ऑब्वियसली आपने डिफरेंशिएशन भी पढ़ा है इंटीग्रेशन भी पढ़ा है तो आप इस बात से तो नकार नहीं सकते कि डिफरेंशिएशन करना इंटीग्रेशन करने से आसान है क्योंकि वो है तो हम ये प्रोसेस क्यों चुनेंगे हम वो वाला प्रोसेस चुनेंगे आप कर भी सकते हो कि इसको इंटीग्रेट करके बोले जाओ लेकिन इसको इंटीग्रेट करके भी वो बनाना मुश्किल है क्यों क्योंकि इसके इंटीग्रेशन से तो बहुत सारे फंक्शन निकलते हैं लेकिन उसके डिफ्रेंशिएशन से एक ही फंक्शन निकलता है तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्जैक्टली exactly वो शक्ल बनेगी नहीं बनेगी कोई गारंटी है क्या नहीं है ना लेकिन इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये शक्ल जरूर बनेगी बनेगी ना सो उस हाथ से देख लो ऐसे हाथ से देख लो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे चैप्टर में हम डिफ्रेंशिएशन ही डिफरेंशिएशन करते फिरेंगे अभी एक अगली एक्सरसाइजेस हैं जिसमें इंटीग्रेशन करके सोल्यूशन तक भी पहुंचना पड़ेगा बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें सीखनी है हाल फिलहाल के लिए अपन सिंपल सी प्रोसेस कैरिड आउट करेंगे सोल्यूशन जो गीवन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इधर अच्छा कितनी बार करेंगे जितने ऑर्डर का यहाँ पे गीवन है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है यहाँ पे टू तो दो बार इसको डिफ्रेंशिएट करके ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है शुरू करें और क्लास में होती थी ना ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज हमारा आंसर तो बहुत पहले आ जाता था लेकिन उसको जबरदस्ती उसकी शक्ल में चेंज करना पड़ता है जो आर एच एस की वही काम इधर है आंसर हमारा हो सकता है पहली स्टेप में आ गया लेकिन उसके साथ कुछ भी कुछ भी करना है ताकि ऐसी शक्ल बन जाए ये हमारा टास्क है ओके ना शुरू करें सो हेयर गिवन ये क्या है ये सोल्यूशन है ना और वो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये सोल्यूशन एक्सप्लेट भी हो सकता है

अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे और जनरली हम अभी तक किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं एक्स नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स रेस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट वी गेट वॉट लेट्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी वालू

लिख उसको मैं अगेन बोथ विद रेस्पेक्ट टू गेट तो अब की बार क्या हो जाएगा वाई डैश का अगेन डिफरेंशिएशन वाई डबल डैश और उधर क्या है e to the power एक्स उसका डेरिवेटिव

तो हम इक्वेशन वन ये प्रोसेस हो गया कि वहां से इसकी वैल्यू मैंने नोट no, डाउन कर ली कोई डाउट नो डैश को इधर ले आओ डैश इक्वल टू जीरो चेक करो वेरीफाई हुआ सेम टू सेम यही शक्ल है ठीक है तुम्हें क्या लिख दूंगा ये इस इससे ये बन गया ना तो मैं ये लिख दूंगा सो सो वी कंक्लूड दैट गिवन फंक्शन द गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन या ऐसे भी कह सकते हो डिफ्रेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एक फंक्शन निकल गया है वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकल के आता है ठीक है ना एक इक्वेशन निकल के आती है वैसे भी कह सकते हो और एक फंक्शन निकल गया था, वैसे भी कह सकते हो द गिवन फंक्शन इज द सोल्यूशन इज द नहीं लिखेंगे बताए क्यों द इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही थोड़ी ना बहुत सारे हो सकते हैं ना टू लगा दू तो भी वो उसका सोल्यूशन है है ना थ्री लगा दू तो भी वो उसका सोल्यूशन है तो जब भी एक से ज्यादा हो तो द ना लगा के द तो पर्टिकुलर हो जाता है मतलब यूनिक हो जाता है इज अ सोल्यूशन में से एक सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवेन डी डी का मतलब डिफरेंशियल ठीक है वेरीफाइड वेरीफाई करने के लिए कहा था तो लास्ट में मार्क कर देंगे वेरीफाइड सो दिस इज अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन समझ में आया पहले क्वेश्चन अच्छे से अब स्पीड पकड़ ले कर दूं डिलीट सेकंड क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन में वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस अब इसमें देखो वो वाला सॉल्यूशन क्या था पर्टिकुलर ये वाला री सी दिखाई दे रहा है ना इसमें ये, है, ये है तो हालांकि उसने पूछा नहीं है कौन सा पर्टिकुलर कौन सा आर्बिट्रेरी है बट हमको फिर भी पता होना चाहिए हमसे पूछ लेते तो okay? so, इसको अपन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट टाइम कर दे एक डेरीवेटिव दिखाई दे रहे हैं मतलब एक ऑर्डर का डेरीवेटिव दिखाई दे रहा है

Third equation, y y x plus C. Again, एक जिसमें दिखाई दे रहा है चलो जी का का अच्छा में differentiation zone में थे डिफरेंशिएट कर रहे थे integration chapter में integration zone में अपन थे अभी कभी तो डिफरेंशिएट करेंगे कभी इंटीग्रेट करेंगे कुछ सामने ऐसा कुछ गिवन थोड़ा ना कि डिफरेंशिएट करो उसको ऐसा सामने थोड़ा इंटीग्रेट करो उसको अब तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के रेफरेंस में बातें हो रही है 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 तो कब कब करना करना इंटीग्रेट हमें डिसाइड करना है हमें है सोचना है तो यहाँ पे अब कंफ्यूजन ज्यादा होगा है ना जैसे आप डिफरेंशिएशन चैप्टर में साइनेक्स को लेकिन इंटीग्रेशन चैप्टर में साइनेक्स को माइनस कॉस एक्स माइनस लिखे जा रहे हो इंटीग्रल तो अब कॉस्टिक्स को साइन एक्स लिखना है या माइनस साइन एक्स लिखना है ये सोचना थोड़ा सा टिपिकल लगेगा क्योंकि अब पता नहीं है कि हम डिफ्रेंसिएशन चैप्टर में या इंटीग्रेशन अभी अपन को दोनों का में करना तो इधर कोस्ट का डेरिवेटिव करना है इसलिए क्या लिखा मैंने माइनस मान लो इंटीग्रल करना होता तो क्या लिखता प्लस साइन एक्स ठीक है सो तो आई कैन एड इट एज माइनस साइन एक्स ऑनली और माइनस साइन एक्स को इधर बेच दें तो हो गया काम तमाम वाई डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो चलें, फोर्थ पे y को तोड़ मरोड़ सकते करना चाहो तो भी कर सकते हो लेकिन मुझे ज्यादा आसानी लग रही है कि मैं रूट हटा दूं क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है x. तो ये नीचे जाएगा और फिर दिक्कतें आएंगी है ना तो मैं क्या करता हूँ उसको इसको रूट को हटा देता हूँ तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगा पहले पहले मैं कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट और ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो आपकी सहूलत के हिसाब से ठीक है वी गेट तो वाई का स्क्वायर क्या होगा वाई स्क्वायर और उधर रूट सेट के वन प्लस एक्स स्क्वायर और अब आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एस कैसा है पार? So what I will write, अच्छा एक और चीज देखो वाई डैश में वाई भी दिखाई दे रहा है तो से निकल के आएगा तो ऐसे हिंट्स लो अरे y भी दिखाई दे रहा है भी नहीं है तो चलो एक काम कर ले पहले इसका बोथ साइड्स कर लेते हैं आपको मिनिम्म, मिनिम्म स्टेप्स में है। लेकिन आप so, get... तो टू वाई का डेरिवेटिव बोलो और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो टू वाई और फिर वाई डैश वाई डैश लिखो का का को उधर भेजो तो की क्योंकि में है से अब देखो y equal to X by y solve हो चुका डिफरेंशियल बन चुके, लेकिन शक्ल वैसी बनानी है अब देखो कैसे शकल बनाते हैं उधर तो, देखना ध्यान से ऊपर एक्स है मेरे पास भी ऊपर X. एक्स X के साथ वाई है मेरे पास है क्या तो मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाई ताकि मेरा x, y बन जाए तो ये क्या बन जाएगा एक्स वाई इक्वल टू और डिवाइडेड बाय बायर की वैल्यू हो गया के मोर वैल्यूर बस अब इसको है एज इक्वेशन वन मार्क कर दो और यहाँ फ्रॉम इक्वेशन वन लिख दो चीज़ ये छोटी मोटी बातें करनी पड़ेंगी फ्रॉम इक्वेशन वन और दूसरी चीज ये चीज भी आप कैरीड आउट कर रहे हो तो इधर भी लिख दो कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोम ठीक है प्रूव्ड हो गया वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई अरे वो होता है ना कई बार कि एक छोटे बच्चे ने जिद कर ली कि मुझे तो यही टॉफी चाहिए अब आप कह रहे हो कि नहीं ये टॉफी इससे अच्छी ये टॉफी ये ले ले कि नहीं मुझे तो वही चीज़ भले वो बुरी हो तो इस इक्वेशन ये इक्वेशन ज्यादा सरल दिखाई दे रही थी पर उसने जिद करी मुझे तो यही चाहिए ले भाई ये ले तो कुछ भी करके वैसी बना के देनी उसको समझ गए ना चले नेक्स्ट फिफ्थ सिंगल डेवेटिव है ओनली तो एक बार डिफरेंशिएट करके काम हो जाएगा डिफरेंटिंग टू ए एक्स का डेरीवेटिव एनली कैपिटल एक्स ठीक है अब उसमें और उसमें फर्क देखो वाई डिश के साथ एक्स लगा हुआ है और इधर वाई लगा हुआ है तो वाई डिश के साथ एक्स लगाने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स देखते हैं बोथ साइड्स एक्स करोगे तो क्या मिलेगा ठीक तो है वेरीफाइड भी हो गया और ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो ले लूंगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं बचेगी तो को, कोई भी कारण उस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं बनने दे रहा

क्वल टू जीरोही थी पर्टिकुलरली बोलते थे ना एज नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी तो जो बात सीख रहे हैं वही नहीं बचेगी तो सिमिलरली वही चीज यहाँ पर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव नजर आता है तो अगर X को जीरो कर दूंगा तो डेरिवेटिव नजर नहीं आएगा ना इसलिए इसको मेंशन करना जरूरी वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कोई जरूरी नहीं है आप नहीं भी मैंशन करोगे तो भी काम चलेगा बट अगर कर दो तो अच्छी बात है ठीक है आपको खुद को तो समझ में आ रहा है ना चलो नेक्स्ट सिक्स इक्वल टू उधर देखो राइट साइड में क्या है चलो अब आप इसको खुद ट्राई करो रब शीट एंड पैन निकालो स्कूल थोड़ा जाना है So, दे so, तो हैं। देखते हैं फिर क्या होता है so, सो डिफ्रेंशियक्स so, जैसे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वाई का तो वाई डैश हो जाएगा लेकिन इधर चेन रूल फॉलो होगा एक्स साइन एक्स के ऊपर राइट यू डैश याद है सो एक्स का डेवेटिव सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज और साइन एक्स का एक्स लेकिन चलो ठीक है यहां तक क्लियर अब देखो आपके पास जो फंक्शन है उसमें वाई डैश के साथ एक्स लगा हुआ है तो इसको पूरी को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी वाई डैश के साथ एक्स लग जाएगा लगेगा ऐसे तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लीजिए y की वैल्यू इसमें x एक्स x पुट अप कर दी यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं इधर x साइन x फिर y डैश की अच्छा इधर भी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्सक्वायर साइन स्क्वायर हम्म तो एक्स बाहर आ गया हम्म hmm, hmm. ये वाली इसकी इक्वेटर्स होंगे बट दिस इज़ नॉट द राइट थिंग फिर वाइट डैश का क्या हुआ वाइट डैश का क्या हुआ डिफ्रेंशियन प्रोसेस तो कैरीड आउट ही नहीं हुआ ना बेटा देखो आपने क्या करा वाई की वैल्यू इधर पुटअप करी एक्साइन एक्स ठीक है तो ये क्या हो गया इधर मैं सॉल्व कर रहा एक्स वाई डैश इक्वल टू इधर क्या था वाई की वैल्यू आपने डाल दी एक्साइन एक्स डाल दी फिर अंदर गए एक्स मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो गया एक्स so, बाद ये हो गया का रूट कॉस एक्स हो गया, का cos X हो गया और यहाँ पे क्या एक्स वाई डैश तो एक एक्स तो कट गया ना एक्स से एक्स ये कट गया तो क्या वाई डैश इक्वल टू साइन एक्स प्लस प्लस क्या cos X एक्स X. तो अब फिर y आपने तो बस इसकी वैल्यू X X बाद, बाद तो कुछ नहीं है ना तो फिर वेरीफाई का हुआ कि ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई ये तो आपने किया ही नहीं ये करा है ये करा है उसके बाद फिर आपने यहाँ स्टॉप करके फिर यहाँ पे आया तो ये काफी लंबा तरीका फिर आपने कहा कि भाई देखो ये से मैच कर रही है ना तो ये तो काफी लंबा तरीका हो गया ठीक है फिर तो सही है अगर आपने ये करा है तो क्योंकि डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस तो कैरीड आउट करना ही पड़ेगा ना ठीक है तो उससे आसान तरीका देखो देखो हम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे क्लास टेंथ में आपको याद हो तो एल उठाते थे कुछ भी कुछ भी करके आर में लेके जाते थे सबसे सही तरीका हमको वही लगता था हाँ अगर हमसे नहीं होता है तो मजबूरी में हम क्या करते थे एल को अलग सोल्व करते थे आर को अलग सोल्व करते थे एल एच को इक्वेट करते तो आपने बोला तरीका चुना इसको अलग कर दिया इसको अलग कर दिया इक्वेट कर दिया तो इस तरीके पे बिल्कुल लास्ट में जाना है जब कुछ भी ना हो रहा हो पहले तो यही कोशिश करनी है कि यहाँ से वहां पर पे पहुंच सके एल उठा लिया हमने मतलब ये उठा लिया इसको डिफरेंशियट कर दिया अब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस पोजीशन पे बन चुकी है ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है पर हमको तो साहब इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है ठीक है तो कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे हम स्कोर इस इसको मैच करेंगे और देखेंगे क्या डिफरेंस है अभी तो वाई डैश इधर भी है लेकिन y के साथ है हमारे पास एक्स नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी को एक्स है देखने क्या होता है सो so, जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं पूरी इक्वेशन को एक्स है तो ये बन जाती है एक्स वाई डैश एक्स साइन एक्स एक्स स्क्वायर अगली स्टेप में एक्स साइन एक्स को तो वाई के ठीक है ना इसको कर लिया मैंने, one, मैंने क्या कर दिया मैंने? Y X X. अब देखो कितना डिफरेंस है। अब y मिल गया मुझे अब इस वाली टर्म को ये वाली टर्म को ये वाली टर्म बनाना है ये वाली टर्म को ये वाली टर्म बनाना है ये टास्क हो गया अगला मेरा तो मैं क्या करूंगा देखो एक एक्स तो बाहर है तो मैं भी एक एक्स बाहर रख देता हूं तो इस आर एच एस एल एच एस तो सेम ही रहेगा एक्स वाई डैश या फिर डू वन थिंग वाई प्लस एक्स स्क्वायर कौश एक्स को क्या लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ठीक है और साइन एक्स की वैल्यू देखो यहां से वाई बाय एक्स यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई बाय एक्स तो इक्वेशन वन को यूज करके साइन एक्स की वैल्यू बुटअप कर दी मैंने तो इट इज लाइक एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर

बिना कुछ करे हमने एक ही फ्लो में उसके उससे मैच कर दी क्वेशन एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स बचा बाहर रूट के अंदर माइनस चेक करो मैच हो रहा है वेरीफाइड ठीक है और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो देखो एक तो वाई डैश के साथ एक्स लगा हुआ है ना तो की वैल्यू नहीं रख डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना आ जाए इसलिए एक्स को वाई से बड़ा और एक्स को या तो वाई से बड़ा या फिर माइनस वाई से छोटा लेना पड़ेगा है ना क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं लोगे आप खुद इन पढ़ के आए अगर आप एक्स को वाई से बड़ा नहीं लेते हो यहाँ पे छोटा ले लेते हो तो ये नंबर अंदर अंदर रूट के नेगेटिव आ जाएगा है ना या फिर एक्स की वैल्यू माइनस वाई से छोटी ले लेते हो तो भी ऐसा कैसा काम हो जाएगा, तो ये दोनों तो तो समझ आया तो कुछ ऐसा करने की कोशिश करो है ना भाई डायरेक्टली हम वहां पे पहुंचे आप तो बस कुछ भी मत करो भाई तेरे को एक्स वाई डैश चाहिए ये ले मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से सोचना पड़ेगा ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देखो एक्स इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी और उधर वाई डैश है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अच्छा क्वेश्चन पहले वाला वैसे तो काफी सरल है। तो, हाँ वही चेन रूल्स है तो एक्स का वन वाई का वाई डैश प्लस एक्स का एक्स नहीं एक्स एज इट इज एंड किया मैंने दोनों का कर दिया उधर है ना तो एक्स का किया तो वाई एजेट इज अब एक्स इज और वाई का वाई डैश ठीक है वाई का बोलना वन वाई और फिर वाई का वाई डैश और सी तो आर्बिटरी कांस्टेंट था जीरो ठीक है चले आगे थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करते कंपाइल करते हैं तो वाई प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई डैश बाय वाई डन अब आप कंपेयर करो इधर से इधर तो सबसे पहले तो आप एक चीज देखो y' की सिंगल टर्म है आइसोलेटेड है वो तो आप इधर से भी आइसोलेट कर दो उसको अच्छा दूसरी चीज देखो y² भी है तो एक काम करता हूँ सब आइसोलेट करने से पहले भी पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये y कट जाएगा और ये y² बन जाएगा ठीक है ना तो यहां से मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाईिंग बोथ साइड्स बाय y वी गेट y का xy' का xy y' ठीक है और सॉरी यहां पे प्लस साइन आएगा और वाई डैश वाई का वाई डैश अब वाई डैश काट करो तो इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले गया तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई माइनस एक्स वाई वाई डैश यहां से वाई डैश कॉमन लिया तो क्या बचा वन माइनस एक्स वाई तो वाई डैश की वैल्यू लिख दो एक बार क्या आ जाएगी ये वन माइनस एक्स वाई डिवाइड हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय वन माइनस एक्स वाई That's it. और यहां पे अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू वन रख दूंगा तो कबाड़ा हो जाएगा नीचे जीरो जाएगा, वो आपको नहीं करना, टू वन. नेक्स्ट एट वन वाई माइनस कॉस वाई एकौल टू एक्स वाई माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव बनाते हैं पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन पैदा करें तो वाई का डेरिवेटिव माइनस कॉस वाई का माइनस साइन वाई तो डेरिवेटिव और चेन रूल से वाई का वाई डैश यानी माइनस साइन वाई इंटू वाई डैश ठीक है इक्वल टू एक्स का वन थोड़ा सा कंपाइल करते हैं so like minus minus y y to, तो इट इज लाइक वाई डैश माइनस माइनस प्लस साइन तक कोई डाउट अब देखो यहां से वो चीज पैदा करनी है चलो वाई डैश तो कॉमन लो उसमें कॉमन लिया हुआ है ना तो, तो कॉमन ले लूँगा तो वाई को अगर मैं कॉमन लू तो अंदर क्या बचता है 1 प्लस वाई, वाई। अब यहां से वो चीज पैदा करनी है तो एल में वाई है मेरे पास भी एल में वाई है लेकिन आर में वन है उधर वाई क्या करूंगा बोथ साइड्स बाई वाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वाई वी गेट तो इधर क्या आ जाएगा वाई डैश तो बाहर ही रखो वाई को अंदर एंट्री दो क्योंकि इधर भी वाई डैश बाहर है जो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स में वाई कर रहे हो ना तो एल में वाई को अंदर एंट्री दे दो तो वन इंटू वाई वाई और ये वाई साइन वाई और उधर वन इंटू वाई वाई अब यहाँ पे वाई की वैल्यू रख दो नहीं वाई की वैल्यू क्यों नहीं रखो आ, वाई साइन वाई मिल गया क्या तो डिफरेंशिएट होना करना है डिफरेंशिएशन प्रोसेस तो कैरिड आउट हो गया ना है ना ए की वाई डैश ही है ना हाँ क्वेश्चन में अगर वाई डबल डैश दिखाई देता है तो मैं दोबारा करता है लेकिन दिखाई थोड़ा ना दे रहा है अब तो आपको बस वैल्यू सब्सिट्यूट करके वो चीज बनानी है देखो आर में वाई है एल में वाई डैश बाहर है अंदर की साइड वाई साइन वाई है वाई साइन वाई है अब वाई की जगह कोस वाई प्लस ये चेक करना है आपको तो वेरी इजी यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो ना हो गया काम वाई इक्वल टू एक्स रख दो हो गया काम तमाम ई डैश मल्टीप्लाइड वाई वाई की वैल्यू डाल दी मैंने एक्स प्लस आगे साइन इट इज इक्वल वेरीफाइड ठीक है इस वाई की वैल्यू मैंने क्या डाली ये वाली इस वाई की वैल्यू मैंने ये डाली है एक्स प्लस कॉस बाकी ये है ना फ्रॉम इक्वेशन वन उसके इक्वेशन वन मार्क करके पे चलेक्ट इक्वेशन पे तो देखो कुछ भी नहीं है हम तो बस कोशिश करे जा रहे हैं उसको वैसा बनाने की और दो या तीन स्टेप्स में चार स्टेप्स में वैसा बनता है। काफी सरल क्या ना भी? में square, नहीं बात कर ना? उससे भी हो जाएगा और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो टेन इनवर्स वाइस को पहले चेंज करके टेन को इधर ले कंफर्टेबल हो तो वैसे करूं या वैसे करूंगा बताओ एज यू विश एज आई विश ओके चलो टेन इनवर्स को मैं इधर ले आता हूँ सो so, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया टेन ऑफ एक्स प्लस वाई to to y. Now differentiating both sides with respect क्वल टू वाई नाउ डिफ्रेंशियन का अब देखो सेक्स स्क्वायर तो कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा तो सेक्स स्क्वायर वो वापस टेन स्क्वायर में बदल दो तो सेक्स स्क्स क्या होता है one plus square x, तो क्या हो जाएगा वन प्लस है 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 पे ये square X plus y की value है. ये की लगाओ पूरा इससे भी हो रहा है. हो रहा रहा okay. क्या होगा जब टेन ऑफ y, y है तो इधर स्क्वायर लगा दू तो इधर भी स्क्वायर तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई की जगह लिख सकता हूं ना तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इसको लेट से दिया तो फ्रॉम इक्वेशन राइट इट एस इनटू वन प्लस डैश डैश इक्वल टू मल्टीप्लाई करो वन वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू वाई डैश एक गया हो गया काम तो पहले आप एक लिखने का तरीका भी होता है पहले डेरिवेटिव वाली टर्म वाई स्क्वायर अरेंज करके देन मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं ना फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म फिर कॉन्स्टेंट टर्म जिसकी डिग्री जीरो, जीरो वेरीफाई हो गया ठीक है यहाँ पे करी आपने यहाँ पे तो, तो फ्रॉम इक्वेशन पे आपने स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर को ठीक है ना समझ आया और सपोज करो नहीं करता तो दूसरा तरीका भी देख लो अगर नहीं करता तो क्या होता है वाई डैश इन टू वाई डैश ठीक है सो थोड़ा कंपाइल करो तो इट इज लाइक वन प्लस होगा मल्टीप्लाई कर दो वन प्लस को उधर जाएगा को वही सेम पहला वाला प्रोडक्ट कैरीड आउट हो रहा है पिछली बार की तरह ना y स्क्वायर वाई डैश वाई स्क्वायर उधर क्या का ये बच्चा आंसर जीरो आ गया है ना तो उल्टा ये आसान हुआ तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन्वर्स में हमेशा मुश्किल होता है एक बार इन्वर्स में तीन स्टेप्स में हो गया और हमने जनरल फंक्शन आउट किया तो उसमें मुश्किल हुआ। उल्टा उसमें को में भी चेंज करना पड़ा है ठीक है ना वेयर ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बेटा ना ये अलग इन्फॉर्मेशन है ये मिस्टेक है, लगा देना ना ये केवल यहीं पे खत्म है ना फंक्शन ठीक तो तो है तो इस फंक्शन को आपको डिफ्रेंशियर रखेंगे एक काम और कर सकते मैं पहले रूट को हटा दू इधर वाई स्क्वायर बना दूंगा ना वो ज्यादा आसान लग रहा है ना, ना तो वो काम करते हैं तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो इट इज लाइक इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स यूज किया है ए स्क्वायर का जीरो और माइनस एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस टू एक्स हो गया सो so, यहां से यहां से क्या करूँ मैं उधर जीरो है ना तो डू वन थिंग इसको भी इधर ले या फिर टू से टू काटो पहले तो देखो टू बायल टू माइनस टू एक्स टू तो तो से टू खत्म और एक्स कोल्टीप्लाइड बाई डी बायो हो गया काम वेरी ठीक है, वेयर वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो क्योंकि वो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही खत्म कर देगा ठीक है डन तो हर एक क्वेश्चन में अभी तक अपन सॉल्यूशन से डेरिवेटिव सॉल्यूशन से डेरिवेटिव इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपन कहते हैं वहां तक मैं गया हूँ कई बार कच्चे में भी ऐसे नहीं किया कि इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया और फिर इक्वेट कर दिया है ना वो बिल्कुल आखिरी तरीका है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो तो यूज करना है नहीं तो सरल से तीन चार स्टेप्स में हम यहाँ से वहां तक पहुंच सकते हैं ना बस अपना टास्क याद रखो कि इसके साथ क्या लगा हुआ है वैसे वैसे चीजें इधर करते जाओ मल्टीप्लाई करते जाओ डिवाइड करते जाओ ठीक है इलेवन ट्वेल्थ बहुत सरल आपको नोट भी लिखवाया था मैंने तो इलेवंथ जो क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल उस नोट से मैच कर रहा है द नंबर ऑफ आर्बिटरी इन द जनरल ऑफ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर ठीक है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर फोर है तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट भी फोर होंगे और क्लिक ना देखो चेक करो ठीक है ना अच्छा एक चीज और यहाँ पे मिनिमम वर्ड लगना वैसे जरूरी है उन्होंने नहीं लगाया कि मिनिमम फोर्थ ऑर्डर की होगी अगर आपके जनरल सॉल्यूशन में चार कांस्टेंट्स हैं चार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो उससे बनाओगे चार बार तो कम से कम आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा तो मिनिमम फोर्थ क्योंकि लेकिन अगर आप पांचवी बार भी करते हो तो भी चलेगा काम तो थर्ड ऑर्डर तो पर्टिकुलर में कुछ भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता आप इसका आंसर थ्री मत लिख देना जनरल वर्ड लिखा हुआ है तो फिर ऑर्डर और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है ना और ऑर्डर ये दोनों मैच करेंगे तो इसका आंसर फोर हो जाएगा जब जनरल वर्ड लगा हुआ है क्योंकि जनरल और पर्टिकुलर में डिफरेंस ये था कि जनरल में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नजर आते हैं पर्टिकुलर में नजर नहीं आते तो पर्टिकुलर में थर्ड ऑर्डर है फोर्थ ऑर्डर है फिफ्थ ऑर्डर है कंफ्यूज नहीं होना है नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट उसमें होंगे ही नहीं जीरो होंगे तो दोनों का आंसर डी हो गया था? चलो तो नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन हम कल करेंगे अब डिफरेंशियल इक्वेशन पैदा करेंगे अभी तक क्या हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन बनी बनाई थी और चेक कर रहे थे कि तू उसका सोल्यूशन है या नहीं अब बनी बनाई नहीं मिलेगी अब पैदा करनी पड़ेगी ठीक है ना तो ये टॉपिक कल देखेंगे थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग टू अस हैव नाइस डे कीप प्लानिंग